अच्छे होंगे घर में होंगे। तो गाइस आज का जो व्लॉग है बेसिकली फूड व्लॉग है, मतलब मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप मैगी बना सकते हो, चाउमीन मैगी, मतलब चाउमीन की तरह मैगी आप कैसे बना सकते हो। तो चलो फटाफट से लेट्स स्टार्ट। देखो मैगी है इधर, मैं चाटो मैगी ले आऊँ तो बनाते हैं। आ जाओ चाटो मैगी है इधर, और इधर पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रेडी कर दिया। तो इनसे इनको फटाफट से खोल के इसमें डाल, चार पैकेट मैगी मैंने डाल दिया है इसमें, मतलब इन मसालों को छोड़ के। अभी इनको फिर क्या डस्टबिन में, और ये बॉयल हो जाए तब तक हम लोग सब्जी काट लेंगे। तो मैं देखो इस चाउमीन प्लस मैगी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, सॉस चाहिए, ये चाहिए और मिर्च चाहिए और ये मसाला चाहिए। इसलिए बताइए पहले मैं आपको कढ़ाई गरम कर लेना, और ये देखिए वाइट ऑयल और ये रेड ऑयल, सरसों तेल और सादा तेल को आपको देना पड़ेगा आप अनुजाई। इसको बनाने में थोड़ा कम तेल यूज़ करो, आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तेल पहले गर्म हो जाए फिर दे देना, फिर आपको मिर्च हरी मिर्च देना। मैं देखो इसको मैंने डाल दिया, थोड़ा इसको पहले बाहर मतलब फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देंगे हरी मिर्च, टमाटो सॉस, इसका क्या नाम है, सोया सॉस और मैगी और कुछ नहीं, और थोड़ा मतलब मीठा देंगे चीनी। स्टीम पे देख के आपको 12 to 30 मतलब 12 to 15 मिनट ऐसे करके रखना है, फिर आपको देना है। तो 12 मिनट बाद, तो मैं अभी 5 मिनट हो गए, तो अभी इसमें दूंगा सॉल्ट, तो आपका टेस्ट का मुझे आप देना। तो गाइस अभी देखो मैंने चिमनी को ऑन कर लिया है और इसको 10 मिनट हो चुके और 2-3 मिनट को लगेगा, और मैं इधर पे कर रहा हूँ अच्छा चल रहा है म्यूजिक कैफे। तो गाइस देखो मैं बना रहा हूँ, गाइस हो गया है 12-13 मिनट, प्याज भी देखो थोड़ा लाल लाल हो चुका है, तो चिमनी भी ऑन ही है हम लोग का। तो अभी इसमें डालूंगा मैं इन सब सॉस, और सोया सॉस मैंने डाल दिया है, जिसको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है वो थोड़ा टमाटो सॉस ज़्यादा डालेगा, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मीठा तो मैंने ज़्यादा डाला है। तो कलर देखो भाई साहब उसका, इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, इसमें थोड़ा मीठा ऐड करेंगे चीनी, अभी मैंने ऐड कर दिया, इसकी जो खुशबू आ रहा है ना भाई साहब। अभी इसमें डालेगा मैं मैगी, मैगी भी दे चुका हूँ, अब इसको ठीक से भाई पानी गिर रहा है, अरे इसको ठीक करते हैं। तो पहले देखो ये मेरा ठीक से इतना हो पाया है, गैस ऑफ कर दिया, इसको ऐसा बना मेरा चाउमीन प्लस मैगी, अच्छा लग रहा है, और दीदी भी इधर देख रहा है मेरा मैगी। इसको खाइए गाइस, टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं मीठा है, बहुत अच्छा टेस्ट है, फोन पे बात कर रही है तो और थोड़ा खाते हैं। 'So guys, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगा, एकदम थोड़ा सा भूख लगा है, थोड़ा सा खाते हैं क्योंकि मैंने मैगी बनाया सिखाया आपको, और चलो आ जाओ खाते हैं। गर्मा गर्म तड़का बनाया दीदी ने या मम्मी ने, मैं घुस सकता हूँ, घुस गया, खाता हूँ। हाँ, रोटी का मतलब इंटरफेस बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैदा का, ये रोटी देखो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। माँ मम्मी जी मुझे भी रोटी दो, एक भात नहीं खाऊंगा रोटी ही खाऊंगा, तड़का एक तड़का तूने बनाया है,
खा के देखते हैं क्या है। निकला अमृति के आ चुके हैं, जो रोटी और तड़का का मैं अभी रिव्यू देता हूँ। रोटी भी ठीक था, तड़का अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मस्त था। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। तभी के लिए इतना ही।